पलामू में महिला यात्री से छेड़छाड़ करने पर युवक को सबक सिखाया गया। मुंह में कालिख पोत दी गई। डाल्टनगंज से पटना चलने वाली यात्री बस में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को शनिवार की रात सबक सिखाया गया। युवक जैसे ही पटना जाने के लिए बस पकड़ने के लिए डाल्टनगंज स्टैंड में पहुंचा, वैसे ही बस कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और लप्पड़ थप्पड़ करते हुए उसके मुंह पर कालिख पोत दी। सबक सिखाने के बाद युवक को छोड़ दिया गया है। युवक के मुंह में कालिख लगाते वीडियो भी बनाया गया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि 10 दिन पहले राजू नाम का ये युवक पटना जाने के लिए डाल्टनगंज बस पड़ाव से सवार हुआ था। इसी दौरान बस में उसके सीट के बगल में बैठी एक महिला के साथ उसने छेड़छाड़ की थी। महिला ने इस संबंध में बस कर्मियों से शिकायत की थी। उस दिन तो वह भाग निकला था, लेकिन वो जूते चप्पल का कारोबार करता है और अक्सर पटना जाया करता है। घटना के 10 दिन बाद पुनः राजू पटना जाने के लिए बस पकड़ने डाल्टनगंज बस पड़ाव में पहुंचा। राजू को देखते ही बस के कर्मी सक्रिय हुए और उसे पकड़ लिया। बाद में उसके हाथ बांध दिए और उसके मुंह पर जला हुआ मोबिल पोत दिया। साथ ही उसका वीडियो भी वायरल कर दिया। बस कर्मियों ने बताया कि राजू आदतन ऐसी हरकतें करता था। बस जब स्टैंड से निकल जाती थी तब वह बस में सवार होता था और महिला यात्री के बगल वाली खाली सीट देखकर टिकट मांगता था। इसके बाद वह बगल में बैठी महिला यात्री से छेड़छाड़ करता था। मामला शहर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शहर थाना प्रभारी अरुण कुमार महता ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर भेजी गई थी, लेकिन तब तक युवक मौके से निकल गया था।